बढ़ाएं अपने व्यापार को सागर टीवी न्यूज के साथ। विज्ञापन मात्र 999 रुपए प्रति माह। संपर्क करें 6260933666। सागर में एक बार फिर प्रशासन एक्शन मोड में आ गया है और ताबड़तोड़ तरीके से अतिक्रमण हटाए जाने की कार्यवाही शुरू की गई। शहर के मुख्य इलाके कटरा क्षेत्र में जब भारी संख्या में पुलिस बल के साथ कलेक्टर, एसपी और अन्य अधिकारी पहुंचे तो लोगों में हड़कंप मच गया। पुलिस और प्रशासन ने दुकानों के बाहर रखे हुए सामान को जब्त कर लिया जिनसे अतिक्रमण पसरा हुआ था। इस दौरान लोगों को समझाइश भी दी गई तो दूसरी तरफ दुकानों के बाहर सड़क पर सामान फैलाकर रखने वालों के सामान को जब्त कर लिया गया। कई दुकानदार अपनी दुकानों का सामान समेटते हुए नजर आए। प्रशासन, नगर निगम और पुलिस की ये संयुक्त कार्यवाही 3 बत्ती से लेकर कटरा बाजार और राधा तिराहा इलाके में की गई। इस दौरान अमले ने लोगों को हिदायत दी कि अगर अतिक्रमण किया तो ठीक नहीं होगा। दरअसल बताया गया कि स्मार्ट सिटी फेज 1 के तहत रोड का चौड़ीकरण किया जाना है, जिसके तहत छोटे व्यापारियों को विस्थापित भी किया गया है, लेकिन कई सारे लोग अभी भी यहां पर दुकानें लगाए हुए हैं। वहीं कलेक्टर दीपक आर्य बोले कि लोगों से अपील की जा रही है, ना मानने वाले लोगों पर कार्यवाही होगी। देखिए, ये जैसा एसपी साहब ने भी बताया कि अभी हम लोगों ने जो कार्रवाई की है वो अस्थायी अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की। लोगों ने अपनी दुकानों से बाहर जो स्टॉल लगाए हुए थे या सामग्री रखी हुई थी, उस कारण से क्या हो रहा था कि दुकान के बाहर सामग्री और सामग्री के बाहर पर जो जहाँ पार्किंग होनी चाहिए थी उस जगह पर सामग्री थी और सामग्री के बाद पार्किंग होती थी। तो प्रयास अभी यही किया जा रहा है कि लोगों को व्यवस्थित करने का प्रयास किया जाए। सभी से अपील भी की जा रही है और अभी सभी से अनुरोध है कि कृपया इसमें सहयोग करें, अपने दुकानों के अंदर व्यवसाय करें, उन लोगों के लिए भी अच्छा होगा और बाकी जो नागरिक जो कि जो अपनी खरीदारी करने के लिए आ रहे हैं या किसी अन्य कारण से इस मार्गों से इन व्यस्त मार्ग जो है शहर के अंदर गुजर रहे हैं उनके लिए परेशानी होगी। ये शुरुआत है और ये सबसे अपील भी है और कि सबसे पहले आप लोग सहयोग करें, अन्यथा निरंतर कार्रवाई ये चलती रहेगी। ये इसके लिए व्यवस्था एक बार बनाई गई थी, रोड लाइनिंग इसके लिए की गई थी। अभी इस रोड का पुनर्निर्माण होना है स्मार्ट सिटी रोड फेज 1 के अंतर्गत, लेकिन उससे पहले व्यवस्था सारा किया जाएगा। जो नाले के ऊपर जो अतिक्रमण है उसको पहले कल हटाया जाएगा, उसके उपरांत व्यवस्थित जगह दी जाएगी सभी वाहन पार्किंगों के लिए, वाहनों की पार्किंग के लिए, और यदि उसके बाद भी यदि वो लोग उसका पालन नहीं करते हैं तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, वाहन को जब्त किया जाएगा और चलानी कार्रवाई उनके खिलाफ की जाएगी। वो भी ठेले का अपना व्यवसाय करते हैं, उन सभी के लिए मंडी में स्थायी दुकानें बना के दी जा चुकी हैं, उनको दुकानें आवंटित भी की जा चुकी हैं। कई बार इस बारे में उनसे चर्चा हो चुकी है और मैं और सभी के पास अपनी दुकानें हैं। मेरा सभी से अनुरोध है कि कृपया वो लोग अपना जगह पर चले जाएं, वहाँ से व्यवसाय करें, वो उनके लिए भी अच्छा है और बाकी शहर में भी ठीक रहेगा। इसके बाद भी सबसे अनुरोध किया जा रहा है कि इसमें करें, इसके बाद यदि कोई नहीं मानते हैं और बार बार आकर के करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि होता यही है कि यदि एक व्यक्ति आता तो बाकी का व्यवसाय प्रभावित होता, बाकी लोग भी आ जाते हैं। तो यदि पहले सबको एक बार सम्मान भेजा जाएगा और यदि इसके बाद भी यदि आते हैं तो कार्रवाई उनके खिलाफ की जाएगी। इसको लेकर एसपी तरुण नायक ने बताया कि यहाँ वहाँ वाहन खड़े होते हैं, वहीं लोग दुकानों का सामान फैला लेते हैं जिससे आने जाने वालों को परेशानी होती है, यातायात भी प्रभावित होता है, जिसको लेकर ये कार्रवाई की गई। जो शहर के व्यस्त मार्ग हैं वहाँ पे कई समय से ये शिकायत आ रही थी कि यहाँ पे ट्रैफिक की समस्या है और इसमें जो वाहनों को सुगमता से निकलने में काफी कठिनाइयाँ परेशान आ रही हैं आम जन को, और ये लगातार जो कि शिकायत प्राप्त हो रही थी, तो इसमें संयुक्त रूप से प्रशासन, नगर निगम और पुलिस के अमले ने मिलकर इसमें कार्रवाई की है। इसमें जो बैल देखा जा रहा था कि कई सारे दुकानों के सामान आदि जो बाहर रख लेते हैं दुकानों की आदत से, जो कि सड़क पे जहाँ पे पार्किंग होनी चाहिए, जहाँ पे वाहनों को गुजरने की जगह होनी चाहिए वहाँ पे सामान रखे जाते हैं, तो उनको उन पर कार्रवाई की गई है। इसके साथ साथ जो वाहन है वो बेतरतीब जो पार्किंग आदि पे भी खड़े हुए हैं तो उन पर कार्रवाई की गई है। ये जो भी व्यस्त मार्ग हैं उन पे यातायात को सुगम बनाने के लिए ये कार्रवाई की गई है और ये आगे भी कार्रवाई लगातार की जाएगी। बेसिकली जो ऐसे क्षेत्र हैं शहर के, चाहे ये राधा तिराहा हो, 3 बत्ती हो, कटर मस्जिद हो, विजय नकीज रोड हो या फिर अपना भगवानगंज रोड, इन सभी क्षेत्रों में ऐसी कार्रवाई की जाएगी। सभी लोगों से ये अपील है कि ये जो सामान वगैरह जो बाहर रखते हैं वो ऐसे सामान बाहर न रखें, दुकान के अंदर रखें। जो वाहन पार्किंग आदि होती है वो तरतीब से पार्किंग करें, जो पार्किंग निर्धारित है या किनारे सड़क के किनारे एकदम लगा के सड़क पार्किंग बेतरतीब करेंगे तो उनको भी चलाने कार्रवाई
की जाएगी और शहर को सुगम बनाने में सभी लोग का सहयोग की आवश्यक है। इस शहर आप हम सभी का है और इसमें आप सभी के लिए जो भी यातायात सुगम बनेगा तो सभी का फायदा होगा। इसमें सभी लोग इसमें मिलकर साथ हैं और शहर की यातायात को सुगम। बढ़ाएं अपने व्यापार को सागर टीवी न्यूज के साथ। विज्ञापन मात्र 999 रुपए प्रति माह। संपर्क करें 6260093666।